यार, निकल चुका हूँ हम लोग अभी, तीसरा लीफ है ये, टाउन पहुंच चुका हूँ। अभी ट्राई करते हैं ऊपर किया है। तो लाइक ये मेडिसिन की तरह भी काम करता है। तो हाय हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग टाउन में रुका हूँ, आज हम लोग निकलने वाला हूँ टावांग से। सेटिंग वगैरह हो गया है, सब कुछ फिनिश, बस निकलना है हमें अभी। तो गाइस निकल चुका हूँ हम लोग अभी रूम से। अभी थोड़ा बहुत बारिश दे रहा है अभी फिलहाल। यहाँ का वेदर का कुछ आता पता नहीं, क्या ही बोले। गोटो भाई से भी मिलवाता हूँ आप लोगों से, मतलब गोटो भाई से मिल के जाता हूँ कि इतना सारा हेल्प किया हमें, मिलना तो बनता है गाइस। तो गाइस गौतम भाई फोन रिसीव नहीं कर रहा, शायद काम पे बिजी है। न्यू मार्केट की तरफ अभी जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर कॉल बैक करता है तो आ जाएंगे मिलने के लिए। अच्छा है था ना, सीधा रहेगा अभी हम आज सीधा जाए। तो गाइस मैं आज बहुत ही लकी हूँ क्योंकि मेरा उम्र आज खत्म होने वाला था ना ब्रो। भाई का मोबाइल गिर गया, साइड में रुक गया। तो यार मेरा सब कुछ खराब हो जाता। अच्छा क्या हुआ, पूरा लोहा का हुआ था, हमें बैठाया हुआ था ना, जगह ही नहीं था, ऐसा करके अभी हम लोग ने आया। हमें अच्छा हुआ पूरा मोबाइल टूट जाता था, मतलब बोलो ही मत, फिर भी मतलब थोड़ा स्क्रीन हुआ, टेम्पर चला गया, कोई नहीं, मोबाइल बच गया। मोबाइल बच गया। अभी हम लोग अवांग से 20-25 किलोमीटर ऐसे डाउन आ गया, आ चुका हूँ। उसका जैसा अभी पूरा गर्म, थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो गाइस तीसरा लीफ है ये आज, मतलब आज का। तो ये भैया आसाम का ही मिल गया। हाय बोल रहे आप कहाँ से हो? तेजपुर। ओके थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। ओह अच्छा, अभी आप कहाँ जा रहे हो? मैं जंग जा रहा हूँ। जंग, ओके ओके, लिख के लिए शुक्रिया। तो गाइस लोग जंग पहुंच चुका हूँ, दिरंग जाना है, सिला पास पार करना है, देखता हूँ लिफ्ट मिलता है कि नहीं। तो 3 ही बज चुका है फिलहाल। तो और देख सकते हो बारिश आ रही है, इसलिए हम लोग इधर रुका हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, आज का दिन कैसा रहता है पता नहीं फिलहाल, तो बस समय क्या कहता है पता नहीं, ये रहेगा ब्लॉग में। फिर के थोड़ा दाम होगा, कर सकता है। ड्राइवर सब सेम नहीं होता, ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका ये है, किसी का तरीका अलग होता है। ओके ओके छोटा वाला रहने देते हैं। तो गाइस हम अभी सेला में हूँ एंड ये देख सकते हो फिलहाल हम लौट रहा हूँ तिरंग की तरफ। ये देख सकते हो काफी ठंड है इधर, बोलो ही मत। और ये बर्फ देख सकते हो, बर्फ, ओ माय गॉडनेस, बहुत ठंड है। चलो ये देख सकते हो भैया ने हमें टी ऑफर किया है, थैंक यू सो मच भैया टी के लिए। तो ये क्या था, खप से लोकल खप से। और ये देखो बहुत ट्रक आ रही इधर। ओके चाय पी लेते हैं। We'll be right back.
पे विजिबिलिटी इतना कम है, देख सकते हो आप लोग ये सेला पास दिखता ही नहीं, इतना फोगी फोगी होके रखा है, बोलो ही मत। बहुत ही रिक्स है इधर, खतरनाक वाला रिक्स है, देख सकते हो। और मोबाइल का चार्ज भी अकेले अकेले खत्म हो रहा है इधर, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी तो और ज्यादा हो गया। गाड़ी आ रहा है, अभी गाड़ी को ब्रेक करने पड़ रहा है क्योंकि आगे रोड मतलब पूरा छोटा है ना, उसके वजह से अभी हम लोग का गाड़ी ब्रेक करके निकलने पड़ेगा। देख पा रहे हैं गाइस कितना मतलब मुश्किल होता है ये रोड में गाड़ी चलाना। और भैया वीडियो एक लाइक कर दीजिए, रोड में ड्राइव कर रहा है। शाम का 4:30 बज चुका है, अभी हम लोग पहुंचे भीड़ा में। समय अभी लगभग 7:00 बजने वाला है। हम फिलहाल वो अभी क्या जगह था, जगह नाम क्या था, हाँ दिरांग। तो फाइनली मतलब दिरांग पहुंच गया हूँ। फिलहाल तो टेंट लगाने के लिए हमें जगह चाहिए और आवाज़ बहुत ही छोटा हो गया बिकॉज कुछ नहीं खाया आज तो पूरा हिस्सा ही गया हमने। अभी फिलहाल टेंट लगाने के लिए कहाँ जगह मिलेगा वही सोच रहा हूँ, पहले तो देखते हैं कहाँ मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा अभी फिलहाल तो, है कि नहीं ब्रो? हाँ, सही है। सही है। और क्या बोलूँ, हमारा तो बहुत ही बाद में टीम की अंदर बताएंगे। तो गाइस लगभग हमने जैसे कि वो दिरांग क्या था ये दिरांग टाउन है, हाँ दिरांग टाउन से आ रहा था, टेंट लगाने के लिए जगह ढूंढ रहा था तो एक भैया मिल गया, तो पानी खोल के गए पीछे में। चलो चलो, तो मतलब एक रेंडमली होस्ट मिल गया बोले तो गाइस रेंडमली मतलब एक भैया मिल गया क्योंकि हम लोग ढूंढ रहा था फील मतलब टेंट लगाने के लिए, तो ये भैया है, हाय बोल लीजिए। थैंक यू सो मच भैया, इतना सारा हेल्प और क्या बोले। एंड अभी चाय ऑफर क्या है देख सकते हो। एंड अभी फिलहाल में यहाँ का लोकल क्या बोलते इसको मुम्पा ट्राइब्स का रॉक्सी जो निकी वाइन होता है ना, होममेड वाइन आरा, ये रहा आरा। तो इसको ट्राई करने की कोशिश, मतलब ट्राई करूंगा मैं, देखता हूँ कैसा लगता है, करवा है ना, ट्राई कर सकते हैं, थकन दूर हो जाते सच में। हाँ, थकन दूर हो, लाइक ये मेडिसिन की तरह भी काम करता है बोले तो। मक्के से बना हुआ सकते हो, ये लोकल वाइन है यहाँ का। तो अभी ओपन में तो गाइस हम लोग तावांग से पहुंच गया हूँ अभी दिरांग। तो आज का दिन बहुत ही एडवेंचरियस था, बहुत सारा कहानी बहुत सारा वो हो गया, तो कल सुबह आराम से बताएंगे। आज लगभग 10 बजने वाला है। तो आज का दिन बहुत एडवेंचरियस था, मतलब बोलो ही मत, खतरनाक वाला। और बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे लोग मिले, तो इसलिए हम अभी यहाँ हो, है कि नहीं ब्रो? हाँ सही में। तो सब स्टोरी कल बताऊंगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया और एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड कल मिलते हैं और एक नई
वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।